स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विथ माय गार्डन में। दोस्तों मुझे आज एक बहुत ही बेस्ट पौधा है वो एक जगह दिख गया था। वैसे दोस्तों ये यूफोरबिया की एक प्रजाति है, एक वैरायटी है। इसे दोस्तों यूफोरबिया कैप सेंटेमेरेसिस बोलते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यूफोरबिया की तो काफ़ी सारी वैरायटी और भी है, और इससे मिलता जुलता दोस्तों एक पौधा मेरे गार्डन में भी है। कुछ साल पहले दोस्तों इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, उसका नाम था यूफोरबिया सिलिड्रोफोलिया करके। तो ये सब वैरायटी दोस्तों बहुत ही एक हार्डी कैटेगरी का पौधा होता है, जो दोस्तों आसानी से मरता भी नहीं है और एक ग्रोथ पे भी आता नहीं है। हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इसमें कुछ डिसीज हो गए हैं या तो कुछ प्रॉब्लम हो गए हैं, लेकिन दोस्तों इस तरह की जो वैरायटी होती है उसका एक प्रकार का नेचर ही ऐसा होता है कि उसकी ग्रोथ है वो कोई रॉकेट गति से नहीं होती है, ये अपने आप धीरे धीरे ही प्लांट है वो ग्रोथ पे आता है। वैसे दोस्तों ये साउथ अफ्रीका का नेटिव है, मडागास्कर का उस साइड ज़्यादातर ये पौधा है दोस्तों, जो रेगिस्तान होते हैं उस जगह पर भी ये पौधा है वो देखे जाते हैं। वैसे ये दोस्तों सक्यूलेंट की वैरायटी है, और उसके ऊपर दोस्तों हमारे ज़्यादातर इस तरह के जो प्लांट होते हैं वो इंडिया में इतने कम इसकी वीडियो भी देखी जाती है, ख़ास करके जो आउट ऑफ इंडिया में दोस्तों इस तरह की वैरायटी है वो ज़्यादातर अफ्रीका के नेटिव होता है, वहाँ ही इस तरह के प्लांट है वो, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पे आपको ज़्यादा दिखेगी। वैसे ये दोस्तों बहुत ही हार्डी पौधा होता है और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही धीमी गति से होती है। इसकी जो पत्तियाँ आप देख रहे हो दोस्तों वो ग्रीनरी टाइप की है, और स्टेम भी देख रहे हो दोस्तों कि ऐसी दोस्तों उसके छूने से फीलिंग आएगी कि एक डार्क जैसा लगता है कि पूरी सूखी हुई हो, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। और दोस्तों ये उसकी जो ग्रोइंग पीरियड होता है वो ज़्यादातर दोस्तों ये बारिश के समय या तो गर्मियों के समय ही चलता है। सर्दियों के समय में दोस्तों इसकी जो ग्रोथ है वो पूरी थम जाती है, मतलब बिल्कुल ही ग्रोथ पर ये ज़्यादा आता ही नहीं है। इसकी जो ग्रीन पत्तियाँ है वो दोस्तों कुछ मौसम में ये थोड़े ब्राउन शेप पे भी आ जाती है, और हमें ऐसा भी लगता है कि शायद ये प्लांट है वो मर जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता है, और धीरे धीरे एक के बाद एक है वो पत्तियाँ है वो निकलती रहती है। इसकी थोड़ी प्रोपोगेशन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये प्लांट है वो मैंने कटिंग से दोस्तों ग्रो किया था, और कटिंग से ये ग्रो भी हो जाता है, लेकिन इसमें मिट्टी है वो दोस्तों वेलड्रन मिट्टी का प्रयोग हमें करना चाहिए। आप देख सकते हो कि कितनी एक अच्छी मिट्टी, रिच मिट्टी है वो तैयार की है इस प्लांट के लिए भी, और इसमें वाटरिंग इतना नहीं देना चाहिए कि ये प्लांट में दिक्कत आए, क्योंकि ये ज़्यादा वाटरिंग से भी दोस्तों प्लांट है वो मर जाता है। और वैसे दोस्तों स्लो ग्रोइंग प्लांट के हिसाब से ज़्यादा ये इसकी हाइट भी नहीं होती है, और कटिंग से ये ग्रो होने के साथ बिना फर्टिलाइज़र के भी चलेगा, और पौधों को देते हो दोस्तों तो कोई भी फर्टिलाइज़र आप दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा कोई कंपलसरी नहीं है। ज़्यादा वाटरिंग से भी दोस्तों इसके रूट और ब्रांच में भी दिक्कत आ सकती है, तो उसका कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। और इसमें छोटे छोटे फ्लावर भी बनते हैं जो दोस्तों एक गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर देखे जाते हैं। वैसे दोस्तों इसकी बहुत तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी थी उतनी मैंने दे दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।